बातचीत करेंगे एविएशन स्पेस की। इस महीने के अंत तक कैबिनेट से नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। एविएशन सेक्रेटरी राजीव नयन चौबे ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगले महीने से नई एविएशन पॉलिसी लागू करने की पूरी कोशिश होगी। में जिस तरह के प्रावधान किए गए, एक सवाल उठ रहा है कि ATF पे सेस के बाद क्या एक सेक्टर के लिए एक सेटबैक है? आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है फेयर्स पे पड़ेगा और पैसेंजर्स उसमें कमी देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पिछले एक सालों में ATF के प्राइस में करीब 35% की गिरावट आई है, तो उसमें से सिर्फ 6% ही सरकार ने अभी एक्साइज ड्यूटी के द्वारा मॉप अप करने का निर्णय लिया है। तो उसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इतना अधिक गिरावट ATF में है कि इससे पैसेंजर्स के ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 21% का ग्रोथ तो ऑलरेडी हो चुका है पैसेंजर्स में। एक सवाल सर, न्यू एविएशन पॉलिसी को लेकर कब हम ये उम्मीद करें कि बिल इम्प्लीमेंट होगा, और क्योंकि काफ़ी समय से अटका हुआ है, अभी तक कैबिनेट में कब जाएगा? तो जैसा अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही कि सामान्य रूप से तो हम लोग भी इसी उम्मीद में थे कि इसको हम लोगों ने अब तक इसका अप्रूवल ले लिया होता, लेकिन चूंकि जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमने जो किया उसमें इतने डाइवर्स व्यूज आए हैं सभी स्टेक होल्डर्स के, इतने विपरीत उसमें लोगों के ओपिनियंस आए हैं कि उन सभी के बीच में समन्वय करते हुए एक पॉलिसी बनाने में और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में समय लग रहा था, लेकिन इस महीने के आखिर तक हम लोग कैबिनेट का अप्रूवल लेकर के अप्रैल के महीने से हम लोग पॉलिसी को लागू करेंगे। सर, एक सवाल 520 एंड RDG को लेकर है, कन्फ्यूजन है। एक बार जैसे ही पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी इस महीने के आखिर तक, उसमें सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एविएशन सेक्रेटरी को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि इसी महीने कैबिनेट से अप्रूवल लेकर 1 अप्रैल से या फिर अप्रैल ऑनवर्ड्स नई सिविल एविएशन पॉलिसी को लागू करने की पूरी कोशिश रहेगी। 520 नॉर्म्स पर हालांकि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब पॉलिसी लागू होगी तब ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि 520 नॉर्म्स को लेकर हमने हाल ही में पुराने और नए करियर्स के बीच एक तनातनी जरूर देखी है।